अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में ख्वाब में पिस्तान देखने से मुताल्लिक, पिस्तान कटा हुआ देखना, पिस्तान से दूध निकलना, ये और इससे मुताल्लिक छः ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें पेश करने वाला हूँ। ख्वाब और ताबीर का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। पहला ख्वाब है पिस्तान कटा हुआ देखना। अगर कोई औरत ख्वाब में पिस्तान को, दूध को अपने कटा हुआ देखे तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले के यहाँ लड़की पैदा होगी और इसी तरीके पर ऐश और इशरत में ज़िंदगी बसर करेगी, यानी अच्छा ख्वाब है, ज़िंदगी अच्छी भी गुजरेगी, ज़िंदगी में सुकून और राहत भी मिलेगी और अल्लाह ताला उसको बेटी से भी नवाजेगा। नंबर दो, औरत का पिस्तान देखना। किसी ने ख्वाब में किसी औरत का पिस्तान देखा है तो उसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला ख्वाब देखने वाले मर्द को लड़की से नवाजेगा और पुरसुकून ज़िंदगी, खुशियों वाली ज़िंदगी भी इस ख्वाब देखने वाले को इनायत करेगा। नंबर तीन, पिस्तान से दूध निकलना। किसी ने ख्वाब में देखा कि उसके पिस्तान से दूध निकल रहा है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले की लड़की पर नेमतें और रोज़ी खूब फराखी के साथ नाजिल होंगी। ख्वाब अगर किसी ने देखा है कि पिस्तान से दूध निकल रहा है तो इसकी ताबीर ये कि उसकी लड़की पर अल्लाह ताला नेमतें खूब नाजिल करेगा, यानी लड़की के मुकद्दर से रोज़ी में खूब कुशादगी और फराखी अल्लाह ताला नसीब करेगा। अच्छा ख्वाब है। नंबर चार, पिस्तान से दूध पीना। किसी ने ख्वाब में पिस्तान से दूध पीते हुए देखा है तो इसकी ताबीर ये है कि ख़ानदान में कोई बीमारी या इसी तरीके पर कारोबार में नुकसान वाक़ होगा ख्वाब देखने वाले के। पिस्तान से दूध पीने का मतलब ये कि या तो ख़ानदान में कोई बीमारी फैलेगी या इसी तरीके पर ख्वाब देखने वाले के कारोबार में कोई नुकसान लाहिक होगा। अच्छा ख्वाब नहीं है। जब ऐसे ख्वाब देखें जिनकी ताबीर अच्छी ना हो तो अल्लाह से खैर मांगें, ख्वाब की जानिब से सदका कर लें और वो बुरा ख्वाब किसी से बयान ना करें, इंशाअल्लाह फिर उस बुरे ख्वाब का असर जाहिर नहीं होगा। नंबर पाँच, पिस्तान ज़्यादा लटके हुए देखना। किसी औरत ने अपने पिस्तान को ज़्यादा लटके हुए देखा कि भाई पिस्तान उसके ज़्यादा लटक रहे हैं तो ये अगर वो औरत हामिला है उसके यहाँ लड़की पैदा होने की अलामत है, और अगर हामिला नहीं है ख्वाब देखने वाली औरत तो अल्लाह की जानिब से उसके ऊपर खुसूसी रहमत के नुजूल की जानिब इशारा है ख्वाब में। नंबर छः, अपना पिस्तान देखना। ख्वाब में किसी ने अपने पिस्तान देखे हैं तो फिर इसकी ताबीर ये है कि औरत ख्वाब देखने वाला अगर कवारा है तो उसको बीवी खूबसूरत मिलेगी और इसी तरीके पर दौलत और आराम भी मिलेगा ज़िंदगी में खूब, और अगर शादीशुदा है तो ज़िंदगी उसकी अच्छी गुजरेगी। ये हमने आप हजरात की खिदमत में पिस्तान से मुताल्लिक छः ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें पेश की हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने हमारी ये वीडियो पूरी देख ली है, अब इस क्लिप को दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप अगर हमसे अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब लिख करके फ्राइडे का वेट करें। इंशाअल्लाह फ्राइडे की वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान कर दी जाएगी। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।